दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, आखिर क्यों गणेश जी ने चंद्रदेव को दिया श्राप। भगवान शंकर के पुत्र गणेश भी अपने पिता की तरह ही हैं। जब वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन में नए रंग ला देते हैं, तो वहीं अगर कोई इनके गुस्से का शिकार हो जाता है तो ये उसके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। आज हम आपको इनके एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इनके गुस्से का शिकार होना पड़ा था, जिसे वो आज भुगत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन शिवजी कुबेर की मंशा को समझ गए थे कि वे सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में उलझे होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। अब जहां भगवान शंकर नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है वहां माता पार्वती का क्या काम। तो माता पार्वती ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि अगर उनके पतिदेव नहीं जाएंगे तो वह भी नहीं जाएंगी। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं। जब गणेश भगवान कुबेर के महल से भोजन करके लौटे तो उन्होंने कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए ले ली और अपने मूषक पर सवार होकर निकल पड़े। रात का अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़े, जिसके कारण वे संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े और उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गई। दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहा था। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को एकत्रित करने लगे तो उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नजर दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई ना दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। ये देख गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी विवशता का मजाक उड़ा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। जैसे ही उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, वैसे ही चारों ओर अंधकार फैल गया। अपनी भूल का एहसास होते ही चंद्रमा गणेश जी से माफी मांगने लगे और उनसे रहम की भीख मांगने लगे। बोले, कृपा कर मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने ना होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ किया और कहा, मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे
लेकिन एक माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिन के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। कहा जाता है कि गणेश जी का ये श्राप आज भी कायम है। चंद्रमा आज भी धीरे धीरे कम होता है और माह में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आता है, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।